अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो मेरी तमाम वाली वीडियोज़ हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि आपके लिए अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरी ये कोशिश जो है वो कामयाब होगी। मुल्तान से हमें आए 4 दिन हुए, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो फिर मेरे ये व्लॉगों ने मेरे साथ दिया। मेरा भी गला ख़राब है, मैं आज भी व्लॉग करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कर लूँ, क्योंकि मुल्तान से आने के बाद जो हमारी गाड़ी है ना, तो वो हो गई है ख़राब। करती क्या है, पानी उसका ना जो वो कम हो रहा है, हीटअप हो रही है। कल मैं फैसलाबाद गया था, फैसलाबाद जाने से पहले मैंने 2 मरतबा उसका पानी चेक किया है। एक मरतबा पानी चेक किया है, डाला चलाई है, फिर बाद में खड़ी करके दोबारा फैसलाबाद जाते बगैर फिर पानी चेक किया, तो पूरा करके फिर मैं फैसलाबाद गया हूँ। तो जब मैं वापस आया घर पहुँचा हूँ, तो गाड़ी से ना जैसे पानी उबलने की बातें आ रही, ऐसी बातें आ रही थी, मैंने नोट किए, तो मैं मुझे शक हुआ कि कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैंने वो नीडल देखी है टेम्परेचर वाली, तो वो फुल हाई पे थी, तो गाड़ी हीटअप हुई हुई थी। खैर बाद में मैंने गाड़ी गड़गड़ी करके तो बोन वगैरह खोल के खड़ी कर दी। आज सुबह मैंने दोबारा चेक किया, तो रेडिएटर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम था, तो पता नहीं कहाँ जा रहा पानी। पानी मेरे ख्याल वापस ऊपर आता है, वो जो साइड वाली बोतल होती है वहाँ पर चला जाता है, तो ये मसला है। तो अभी मैं गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, तो अभी मैं इसका पानी दोबारा चेक कर रहा हूँ। तो अभी मुझे लग तो ठीक रहा है, लेकिन ये पानी बड़ा गंदा गंदा सा आ रहा है। तो कल मैं चेक किया था, झाग वगैरह आ रही थी, आज झाग नहीं आ रही, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। मुझे लगता है रेडिएटर की सफाई करवानी पड़ेगी, तो झाग अंदर लगा हुआ है, कहीं रेडिएटर ना ब्लॉक हुआ हो। तो अभी देखते हैं, लेके जाते हैं मकैनिक के पास, दिखाते हैं अभी क्या मसला है। तो अभी मैंने नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, तो अभी चलते हैं गाड़ी देख। अंकल तो अभी दुकान पे आए नहीं है, तो जो उनके यहाँ पे काम करने वाला बंदा है, तो उन्हें उन्होंने कह दिया, तो वो अभी मेरा ख्याल आगे मिस्त्री को लेने के हैं, तो गाड़ी दिखाएंगे उन्हें। तो ये जी दुकान है, यहाँ पे वो ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, तो हमारी गाड़ी का ऑयल भी यहीं से ही चेंज होता है। तो काफ़ी ज़्यादा समुद्री के लोग हैं जो यहाँ से आगे अपना ऑयल चेंज करवाते हैं, तो काफ़ी मशहूर शो होता है हर मंदिर में, लेकिन समुद्री में पता नहीं। तो मकैनिक भाई भी आ गए, असल ना मैं मुल्तान गया थी, फिर शामी फैसलाबाद गया, फिर पानी चेक किया, फैसलाबाद चल गए, फिर वापस आए फैसलाबाद, तो गड्डी फुल पानी उबलन दिया थे, सुई हीटअप हो गई थी, देखे जरा की मतलब। इस बोतल जरा पानी है वो इधर नहीं आता, इधर उधर चल जाता, खाली हो गई है। कल जो मैं पानी चेक किया ना, इतने झक ही आ रही थी, लेकिन होने नहीं है। अभी गाड़ी चला के चेक करने लगे हैं, तो कुछ और मसले भी हैं, मैंने बहुत दिखाने हैं। ये तो गैसकेट का मसला निकला है, खड़क दी है, जरा साफ लाना है। तो ये कितने का काम? ये कंघी अगर रिपेयर करवाएं तो 1500 रुपया कंघी वाले लेते हैं। ठीक है, वो 2000 बाकी इंजन फिट है।
अंकल लतीफ भी आ गए, तो गाड़ी के चेक करवा दिए हमने इन्हें भी, तो अभी करते हैं सारा काम। गाड़ी हमारी यहाँ पे आ गए काम के लिए, तो यहाँ पे अभी काम होगा तो मैं अभी घर जा रहा हूँ रोटी वगैरह खाने के लिए। तो अभी बज चुके हैं तकरीबन 3, तो मैं घर आ गया खाना खाने के लिए। तो अब गाड़ी अभी खुल रही है, तो अभी टाइम लगेगा, मुझे लगता है आज तकरीबन रात के 7-8 बज जाएंगे काम होते हुए, क्योंकि एक तो हेड का काम है वो करवाना है तो आपको पता ही है, और एक उसकी वो कंघियां नीचे हैं वो ढीली है जरा सा लूज है तो वो भी करवाना है, तो खर्चा काफी ज्यादा पड़ गया। तो गाड़ी हमारी काम निकलते रहते हैं गाड़ियों में, तो ऐसा है कोई बात नहीं है, तो जो भी गाड़ी लगता है उसे पता ही, काम तो निकलता है गाड़ियों में। तो अभी मैं खाना खा लूँ। तो आज हमारे घर पका है जी कौरमा। ओहो क्या ही खुशबू आ रही है और मेरे मुंह में पानी आ गया। ये बनाया उस्मान भाई ने चिकन कौरमा। खाना वगैरह तो मैंने खा लिया, तो अभी तकरीबन 3:30 हो गए हैं, तो गाड़ी मेरे ख्याल से खुल चुकी होगी, तो पीछे मोटर चलेगी, तो गाड़ी मेरे ख्याल खुल चुकी होगी, तो उस्मान भाई उधर पेट खड़ा कर रहे हैं, तो अभी हम जाने लगे तो वहाँ जाके देखते हैं कि कितना काम हो गया और कितना रह गया। तो अभी इतनी जल्दी वैसे काम होगा नहीं, अभी जो पार्ट्स वगैरह चाहिए वो भी लाने हैं, तो पता नहीं समृद्धि से मिल जाए कि नहीं, तो देखते हैं अभी। जो है वो खुल गए, तो अभी यहाँ पे खराती के पास दी है, तो अंकल दी भी मेरे साथ ही है, तो यहाँ पे अभी ठीक करने के लिए दी हुई है। अपनी शायद खराब है, रॉड खराब है, नीचे से सारा खुला पड़ा है, तो कंघी भी खुल गई इसकी, तो मैंने अभी आप दिखाई है, तो यहाँ से नट्टा खुलेगा। तो अभी ये हेड खुलने लगा इसका, गाड़ी का हेड। तो खुल गया हेड, ये जी गाड़ी का हेड, और ये है जी कैस्केट, पिस्टन वगैरह नजर आ रहे तारे। चीज कौन सी खराब हुई है? ये चीज रेडिएटर खोलेंगे, तो रेडिएटर में भी काफी ज्यादा गंदा पानी था, तो ये भी अभी जी भाई ये चिमटा खोल रहे हैं गाड़ी का, तो इसके भी बुश वगैरह वो भी खराब हैं, तो इसके भी डलेंगे, तो नीचे से तकरीबन सारा काम होगा ना, सारा वो जो है कंघी है वो तो दे दी है, अब इसके भी पड़ेंगे। तो ये जी रबड़ सी है, तो ये देखें आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ, तो ये चेंज होगी और ये चीज़ है, तो यहाँ से चेंज होगा। तो एक ये भी कल्टस यहाँ पे खड़ी है, तो ये 6 मॉडल कल्टस है, तो यहाँ से इसका पेंट खराब है, बाकी मुझे नहीं पता क्या मसला है इसे, तो हमारी वहाँ पे खड़ी है, काम हो रहा है अभी। तो ये देखें जी रेडिएटर का पानी निकला अंदर से, क्या कलर हुआ पड़ा पानी का गंदा, तो रेडिएटर भी खुल गया। काम तो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया, जो ये चिमटे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ये सारा खराब है चिमटा, तो ये नया डाले ज़्यादा बेहतर होगा, रिपेयर कराने का कोई फ़ायदा नहीं है कह रहे, तो हमने अंकल लतीफ से मशवरा लिया, तो वो भी कह रहे हैं कि नए डाल लेना ज़्यादा बेहतर है, तो अभी फैसला करते हैं कि नए डालने हैं कि कौन से डालने हैं, तो ये सूरत हाल अभी गाड़ी की। अभी तकरीबन ये 4:15 हो गए हैं, तो गाड़ी हमारी अभी खुली पड़ी है, तो ये इसका हेड पड़ा है, तो ये काम अभी होगा, तो जो इसकी कंघी थी वो काम हो रहा है अभी, तो ये इसके चिमटे हैं, तो हमारा फैसला हुआ कि न्यू डलवाने तो भाई लेने के हैं चिमटे, इसके न्यू भी ला के डालेंगे। तो ये आ गए जी नए चिमटे, ये बिल्कुल नए होते के ये चीज हिलती होंगी नहीं हिलती, अच्छा होती है सही सही, रोड ग्रिप ठीक रहती ठीक। तो ये न्यू गैसकेट है वो लेके आ गए, तो इस तरह का होता है न्यू, और जो पुराना मैंने आपको दिखा दिया हुआ, तो ये न्यू है,
तो अभी मैं कंघे का काम करवा रहा हूँ, तो ये रबड़ देने जाना मैंने, तो ये मिली नहीं है, तो वो कह रहे दूसरी ले कर। अभी ये चिमटे वगैरह फिट होने लगे हैं, कंघी भी आ गई है, तो ये इसके बूट वगैरह डल गए हैं। तो अभी ये सफाई होने लगी है, रेग मार भी रखा हुआ है, तो ये सारी सफाई करेंगे इसकी, तो फिर इंशाल्लाह फिट कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरा काम चल रहा है, चिमटे वगैरह फिट हो रहे हैं। अभी हो गए 5:30 और 6 बजने वाले हैं, तो अंधेरा हो गया। बाहर अभी गाड़ी का काम चल रहा है, तो नीचे से जो कंघिया वगैरह है वो अभी कसी जा रही है, जो इंजन का काम है तो वो अभी रहता है करने वाला, तो तकरीबन 2 घंटे हो लगेंगे, तो फिर इंशाल्लाह जाके काम होगा। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि गाड़ी एक मरतबा ना जबरदस्त हो जाएगी, तो फिर चला के देखेंगे कैसी लगती है। तो अब मेरा गला भी ख़राब है, तो मुझे थोड़ी सी ना बोलने में मसला है, तो दोबारा कस चुका है और रेडिएटर भी लग गया है, पानी भी डल चुका है, तो अभी चेक करने लगे हैं स्टार्ट करके गाड़ी होती है कि नहीं स्टार्ट। अभी जो हो गया जी 12:30, तो मैं पीछे ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो तकरीबन मेरा ब्लॉग जो है वो एडिट हो गया। तो ये आखिरी जो मैं देख रहा था कि जो गाड़ी मैंने टेस्ट की थी तो उसकी वीडियो नहीं है, तो उसमें हुआ यह है कि मेरा मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, तो मोबाइल बंद हो गया, जिसकी वजह से वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो गाड़ी जी हमारी फिट हो गई है, तो बिल्कुल ज़बरदस्त, तो अभी कोई खड़का नहीं है, जो कि था कंघी वगैरह का वो भी नहीं है, और जो हीटअप का मसला था वो भी आई होप है कि दूर हो गया था। अभी 2 दिन बाद जाके मैं दोबारा उसका जो रेडिएटर से पानी निकलवा के तो कूलर वगैरह डलवा लूंगा। तो आज का वीडियो था सिर्फ इतना सा ही, उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आया होगा। अगर आज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करें लाइक, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।